सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूर और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज़ें हम रियाज में करते हैं, जिन चीज़ों को रियाज में हम बहुत फोकस करके अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, जिन चीज़ों को बेहतर करते हैं, उन्हें सिंगिंग में, अपनी गायकी में कैसे उतारें, कैसे अप्लाई करें। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि रियाज में हमने ये चीज़ की और सिंगिंग में हम वो चीज़ अप्लाई नहीं कर पाए। या कई लोग मुझे भी पूछते हैं जैसे कि सर आपने बताया था आकार में इतना मुंह खोलना है और आप खुद गा रहे हैं, जब आकार कर रहे हैं तो आपका इतना मुंह नहीं खुला हुआ। तो मैं एक चीज़ आपको बेसिक से समझाना चाहूँगा। मैंने एक लेसन किया था सिंगिंग और रियाज के ऊपर कि आप ये समझें पहले कि सिंगिंग क्या है, रियाज क्या है, क्योंकि सिंगिंग और रियाज दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आप कभी भी दोनों में कोई कन्फ्यूजन ना होने दें। रियाज सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुंह खोलने की ही बात है तो मैंने कहा है कि आकार का रियाज करें तो मुंह पूरा खुला होना चाहिए, और कितना होना चाहिए आप अपनी तीन उंगली दांतों के बीच में लगा के देख सकते हैं। इस तरह की मैंने बात आपको बताई है। अब स्वाभाविक है कि कोई सोच सकता है ये बात कि सर आप गाते टाइम तो इतना मुंह नहीं खोलते। तो अब यह ध्यान देने वाली बात यह है कि अब रियाज आपने इसलिए मुंह खोल के किया क्योंकि आपका आ का उच्चारण ठीक हो जाए, आपका जो रियल साउंड है, जो नेचुरल वॉइस है, वो निकल सके, इसलिए आपने मुंह खोल के किया। अब गाते टाइम वो कैलकुलेशन नहीं करना है, उसी के लिए तो हमने वो रियाज किया था। ये सारी चीज़ें हम एकांत में अकेले बैठकर करते हैं। ऐसे थोड़ी आप परफॉर्मेंस के टाइम देखेंगे उंगलियां दांतों के बीच में लगा के। इसी तरह जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन की बात हो, मैंने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा मुंह टेढ़ा मेढ़ा ना करें, आपके माथे पर बल नहीं पड़ने चाहिए। रियाज किसी को सुनाने के लिए नहीं किया जाता है। और सिंगिंग की अगर बात करें तो सिंगिंग जब आप परफॉर्म कर रहे हैं कहीं, तो उस परफॉर्मेंस से थोड़ा बहुत तो ऐड होगा आपकी जो टैलेंट है उसमें, बट जो गायकी है उसमें कोई बहुत बड़ा आपको फायदा ये नहीं होगा कि आप कुछ और सीख गए उससे गायकी में, रियाज हो गया आपका। रियाज सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो गायकी को बेहतर करता है, वो परफॉर्मेंस कुछ गायकी को बेहतर करने के लिए नहीं है। तो दोनों इस तरह अलग हैं, पहली बात। अब दूसरी बात कि जब आप रियाज करते हैं तो हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं और बेहतर करते हैं। कई बार होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि मैंने ये चीज़ बड़े आराम से की थी, अच्छे से की थी, लेकिन सिंगिंग में तो मैं वैसा फील नहीं कर पा रहा था, वैसा नहीं कर रहा था। तो आपको ये समझना होगा कि रियाज पूरी तरह से उसी चीज़ के लिए है। तो वहाँ आप चाहे अपने को देखो, जज करो और टेस्ट करो और अच्छा करो, वो रियाज है ही इसी चीज़ के लिए। लेकिन सिंगिंग में आप ये तो नहीं देखेंगे कि मेरे मुंह में तीन उंगली आ रही है कि नहीं दांतों के बीच में, जो कि आकार के लिए बताया गया है। इसी तरह बाकी की जितनी चीज़ें हैं, ये हमारे टूल्स हैं जो हमारी गायकी को खूबसूरत बनाते हैं, उसे और बेहतर करते हैं। ये हमारे टूल्स हैं। अब एकांत में बैठ के रियाज करते हुए हम अपने को एक्सपर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में, ये जो टूल्स हैं। तो रियाज बनाई इसलिए है कि जब आप वहाँ जाएं, परफॉर्म करें, कहीं गाएं, तब वो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ अच्छा होगा। और जो एज ए सिंगर आपकी जो गायकी है वो ओवरऑल उस पर असर होता है हमारे रियाज का। तो गाते टाइम हम ये कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो कैलकुलेशन हमें रियाज में ही कर लेनी है कि हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, हमारा मुंह कितना खुला होना चाहिए। जब वहाँ आप आदत बनाएंगे अपनी तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप अप्लाई होगा। ऐसा सोच के आप परफॉर्मेंस में नहीं कर पाते कई चीज़ें। और ये मुंह खोलने का जो
तरीका है, ऐसे और भी जितनी भी चीज़ें हैं, उनका कोई ये टारगेट मुंह खोलना नहीं है, उसके पीछे साउंड है कि हमें वो साउंड चाहिए, वो मुंह खुलने के बाद ही क्रिएट होगा, हमारा जो ओरिजिनल साउंड है, जो नेचुरल साउंड है, वो अच्छे से मुंह खुलेगा तभी आएगा, तो उसके पीछे टारगेट हमारा ये है। अब जब हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो फिर हमें गाते टाइम ये हिसाब ही नहीं लगाना है, कैलकुलेट ही नहीं करना है कि मुंह कितना खुला है, वो साउंड हमारा अपने आप ही अच्छा होगा। तो और भी जितनी चीज़ें, किसी ने पूछा कि सर रियाज तो पेट से कर लेता हूँ लेकिन गाने में ये नहीं मैं कर पाता हूँ, तो ये सिर्फ एक वहम है, वो होना भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि आप रियाज में बैठे और रियाज में आप साह लगा रहे हैं और पूरा फोकस करके पेट से आप अच्छे से गा रहे हैं, और फिर आपने कोई गाना गाना चाहा किसी का भी सिंगर का और आप सोच रहे हैं मैं वैसे ही उस गाने में ऐसा फील करूं, वहाँ ऐसा नहीं करना है। वो चीज़ आपको डेवलप कर लेनी है रियाज में, कि उसके बाद जब आप गाएं तो वो साउंड अपने आप वैसा निकलेगा, और होता भी यही है, होना भी यही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे रियाज के समय में, बेशक आपको ये लग रहा है कि आप पेट से गा रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन है ना, वो एक बार डेवलप हो जाता है ना, तो फिर वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, ऐसा नहीं कि आप फिर भूल जाएंगे। अगर आपको अच्छे से आकार में गाना आता है, आलाप लेना आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप रियाज के टाइम अच्छे से गा लेंगे और बाद में वो भूल जाएंगे, वही आपकी पर्सनैलिटी है कि आपके एज ए सिंगर आप किस तरह से उसको गा रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप रियाज में करते हैं वो आपकी सिंगिंग को बेहतर करती हैं, और उसके बाद आपको कहीं भी गाते हुए, कहीं भी परफॉर्मेंस में कोई कैलकुलेशन किसी भी चीज़ को लेके नहीं करना है। हाँ, थोड़ा आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे एक्सप्रेशन की बात मैंने की है, और अपने को इंजॉय करते हुए आप गाएं। जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ आपके रियाज तक ही रहेगी, वहीं आपको सोचना है कि कितना मुंह खुला है, क्या क्या होना है, वो टाइम जो है रियाज का वो इसी चीज़ के लिए है, और सिर्फ मुंह खोलने तक नहीं है, हम जिस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं वो हमारे ऊपर असर कर रहा है अपना। और गाने में कोई टेक्निक अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो वो आपकी आवाज़ में ढल गई, आपको आदत हो जाएगी। और आकार की जैसे मैंने बात की है, तो शुरू में तो आप ध्यान देंगे लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि साउंड पे आपका फोकस होगा, और हमारा टारगेट भी वही है, साउंड अच्छा करने के लिए हम आ करके आकार बोल रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि आपका जितना भी फोकस है वो साउंड पे होगा, सुर पे होगा, ये कैलकुलेशन का तो नंबर ही नहीं आएगा। और रियाज में भी इन सारी चीज़ों को शुरू के दिनों में ही हम बहुत ध्यान देते हैं, उसके बाद हमें ये याद भी नहीं रहती कि हमें कैसे मुंह खोल के रियाज करना कितना, क्योंकि वो शुरू के दिनों में लगातार आप जब किसी चीज़ को करते हैं तो वो फिर आपकी आदत बनेगा ही बनेगा, और यही होता है। अब मैं बताने के लिए आपको बताता हूँ कि ऐसे करिए, लेकिन ये थोड़ी कि मैं सुबह रियाज करने बैठता हूँ तो मैं ये कैलकुलेट अपने लिए करता हूँ, मैं तो सालों पहले से ये चीज़ करता आ रहा हूँ। तो इसी तरह जब आप रियाज रेगुलर किसी चीज़ का करेंगे तो वो वहीं तक वो आपके अंदर अच्छे से आ जाएगी, और आपको कुछ कैलकुलेशन अपने गाते टाइम नहीं करनी पड़ेगी। तो जितना आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, वो सब आप रियाज में करें, उसके बाद आप बिल्कुल अपने को फ्री रखें किसी भी टेंशन से, और पूरा इंजॉय करके गाएं, जब भी गाएं कोई कैलकुलेशन नहीं। बेशक आपको ये महसूस भी हो कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा, मेरे एक्सप्रेशन अच्छे नहीं हैं, उस टाइम आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, आप फिर अगली बार रियाज पर बैठें, फिर उसे अच्छा करें, लेकिन गाते टाइम बिल्कुल ये कैलकुलेशन ना करें, नहीं तो आप अपने को इंजॉय नहीं कर पाएंगे, गाने से आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। लास्ट वीक में मैं गानों के लेसन्स नहीं बना पाया हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, आपको बताया मैंने, तो अगले वीक में मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा कुछ सॉन्ग्स, आपकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मुझे मिल रही हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा। अभी के लिए इतना ही, कैसा लगा आपको मेरा लेसन, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।